मेरे साथ बोलो, या तो खाने को दवाई की तरह खा लो, फिर या तो दवाई को खाने की तरह खा लो। बात तो बाबा जी तोड़ की कही है आपने, ठीक है ना। दो विकल्प हैं, यू हैव टू ऑप्शंस। एक तो खाने को किसकी तरह खाना, दवाई की तरह, नहीं तो दवाई खाने की तरह खानी पड़ेगी। मुट्ठा भर भर के खाते, मुट्ठा भर भर के बावड़ो। अच्छा बताओ, मेरे पास खाने की कोई चीज की कमी है क्या? यहां भी लोग गेट पर फिर परमिशन लेनी पड़ती है, मेरे लिए भर भर के लाएंगे घर से। ये मेरी पत्नी ने बनाया स्वामी जी आपके लिए पेड़ा, घर में गाय पाल रखी है। और ये मेरी बहू ने बनाया आपके लिए चिवड़ा। और ये मेरा पोता लेके आया थे ले आपके लिए खजूर, फिर ये चिलगोजे, फिर ये, फिर वो, 50 तरह की 100 तरह की चीजें तो तुम ही लोग मेरे लिए ले आते हो। और यदि मैं तुम्हारा बावड़ा गुरु बन जाऊं ना कि सभी चेले लेके आए, चलो थोड़ा थोड़ा ही खा लेते हैं, तो फिर बाबा पूरा गोलगप्पा हो जाएगा। चलो तो एक चीज और सुन लो, तुम सोचते हो हमने अपने गुरुजी को दे दी, मैं इधर उधर खिसका देता हूं अपने चेलों के पास, क्यों? मुझे अपना कबाड़ा थोड़ी करना है सब खा के। तो लोग क्या सोचते हैं, हमने पैसा किसके लिए कमाया यदि खाना पीना ही नहीं है तो? अरे खाना पीना तो है, लेकिन स्वामी रामदेव की तरह खाओ। जिसके पास खाने के लिए सब कुछ है लेकिन उतना ही खाता है जितना नितांत आवश्यक है, समझ गए? मैंने छीका थारे ऊपर ही नहीं ला रखा, अपने ऊपर भी ला रखा है। अपना योग पूरा करो। क्यों खाना है भाई? और खाने में स्वाद तो मुझे कोई चीज बहुत स्वादिष्ट लगती है ना, तो एक और उपाय बताता हूं। जैसे मुझे चिलगोजा बहुत अच्छा लगा, खजूर बहुत अच्छा लगा, पहले रसगुल्ला भी खूब खाया है, मीठा मुझे बहुत पसंद था बचपन में, वही खाया, गुड़ वो गोंद के लड्डू खाया करते, उस लड्डू में ही स्वर्ग दिखता था, उठते ही गुदड़ी में से बिना मुंह धोए खाया करते, बस सच्ची बात है, बिना मुंह धोए। कहाँ किसने दांतुन किए, किसने ब्रश किए, वो तो थे ही नहीं दांतुन, तो जब दिन में नहाने नुहने जाते थे तब सूरज निकलने के बाद किया करते, उठते ही गुदड़ी में से सबसे पहले लड्डू ही मारते थे। आगे झुको, कुछ को तो अभी लड्डू फूट रहे, चलो आगे झुको, सब करो। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो भी करो, और जिनको कमर में दर्द है वो अपना अपना अभ्यास ही करो ना, ये सब। एक से 7 दिन के अंदर ही ज्यादातर के बीमारियां पूरी निरस्त हो जाती हैं। लंबा गहरा श्वास, पहले ही दिन से डिप्रेशन दूर। मैं गुरु की शरण में हूं, भगवान की शरण में हूं। ये सारी सृष्टि की सारी दैवी शक्तियां मुझे आशीषित कर रही, अनुग्रहित कर रहे हैं, मैं आप्लावित तो हूं सब प्रकार की दिव्यता से, देवस्थ से, ऋषित्व से, ब्रह्मत्व से। ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म की, भगवान की, सब प्रकार की दिव्यता की वृष्टि उस पर हो रही है, भगवान की कृपा दृष्टि मुझ पर है। ऐसे अभिभूत होकर के श्रद्धा की भक्ति के अतिरेक में करना है। युभाश्री का भाव के साथ करना, फिर देखो
ये सारे जितने आपको साधन यहाँ पर कराते हैं, योग करवा रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं, प्राकृतिक चिकित्सा की अलग अलग थेरापी करवा रहे हैं, वाटर थेरापी, होट कोल्ड प्रेस, स्पाइन बाथ, आर्म एंड फुट बाथ, हिप बाथ, अलग अलग प्रकार के ठंडे गर्म सेक, अलग अलग प्रकार के लेप, मड थेरापी, मिट्टी का लेप, मिट्टी की पट्टी, मिट्टी का स्नान, मड बाथ, और फिर सिरोधारा, ये अलग अलग थेरापियां। अभी थोड़ी बहुत कमी भी थी तो हमने और बढ़ा दी है, और अब तो 30 तारीख तक पहुंचते पहुंचते तो थेरापियों की बाढ़ आने वाली है यहां पर, और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, एक एक करके चीजों को जोड़ते जा रहे हैं। यहां जो भी आता है, मैंने अपने वैद्यों को भी निर्देशित किया है, सबको सिरोधारा करवाओ, सबको बस्ती करवाओ, सबको लेप लगवाओ, सबको स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इनका प्रभाव अप्रतिम है। अभी अप्रैल मई महीने से तो मैं गंजों को बुला करके भी उनके भी 1 से 3 महीनों के अंदर सबकी खेती उगवाने वाला हूं। हाँ, उसका भी मेरे पास फार्मूला है। अभी आपको जिनकी खेती उजड़ रही है उनको तो दिव्य केश कांति एडवांस तेल दे दिया है, एक लेप भी है वो भी यहां पर लगाते हैं, और ये उसका ये फार्मूला भी, ये आपको 30 तारीख तक पूरे सबको जो है योगग्राम और निरामयम की वेबसाइट के ऊपर बुक डाल दी जाएगी, उसको डाउनलोड कर लेना और उसको पढ़ लेना, सारे लेप, सारी थेरापी, सारे जो अलग अलग प्रकार के बालों के लिए हमने लेप बनाया, किससे, भांग, धतूरा, भांग के पत्ते, प्याज, कढ़ी पत्ता, चिरौंजी, उदुम्बर, भृंगराज, एलिवेरा, त्रिफला, इनका पेस्ट बनाते हैं, उसको बालों में लगाते हैं, उसमें मेहंदी और सीकाकाई, इसका पेस्ट बना करके अभी तो यहाँ सब मिक्सी में करते थे लेकिन रोगी बढ़ रहे हैं तो अभी पेस्ट बनाने के लिए अब एक बड़ी खरल यही मंगवा रहा हूँ, क्योंकि अब आदमी हो गए ज़्यादा, पहले तो छुटर पुटर कर लिया करते थे, चलो बस श्री का हुआ, अब कपाल भाती एक्यूप्रेशर के साथ करो। अब जैसे आप यज्ञ की भस्म, हमारे एक सन्यासी को मैंने यज्ञ की सेवा में लगा रखा, पूज्य स्वामी यज्ञ देव जी, पूज्य स्वामी विप्रदेव जी, फिर सब कुछ सिखा दिया। मैंने पूछा बेटा तुम ये कोई भी काम बिना साइंटिफिक एविडेंस के नहीं करोगे, मैंने कहा राख डालो पानी में और फिर पीएच वैल्यू चेक करो उसका, तो 10 ग्राम राख भस्म, यज्ञ की भस्म कितनी, 10 ग्राम डालने से 1 लीटर पानी का पीएच वैल्यू 10.2345 हो जाता है। पीएच वैल्यू इतना होने पर वो पानी क्या हो गया, अब 100% अल्कलाइन हो गया।
ये जिनको अल्कलाइन वाटर पीना है ना, तो यहाँ से यज्ञ की भस्म, अब उसको 3-4 दिन लगे उसको खरल में घोटने में। हमारे पास में 4-4 टन की खरले हैं, यदि बाई चांस आदमी भी पड़ जाए तो उसकी भी चटनी बन जाए। इतनी बड़ी बड़ी खरले हैं ऐसे, ये जितना मंच है ना, इतनी बड़ी बड़ी खरले बना रखे हमने, क्योंकि टनों के मात्रा में हम लोग मोती पिष्टि मुक्ता शुक्ति शंख कपरदक और सब लोह रज मंडूर सोना चांदी हीरे की टनों के हिसाब से, क्विंटलों के नहीं, टनों के हिसाब से हम सोना चांदी हीरे मोती की भस्में बनाते टनों के हिसाब से। लेकिन उसका पूरा साइंटिफिक जो प्रोसीजर है उसको हम फॉलो करते हैं। अपना अपना अभ्यास करो, जिनको थायराइड है वो थायराइड वाला पॉइंट दबा के करो, फिर उज्जाई भी करेंगे। जिनको जो प्रॉब्लम है पॉइंट का पता ना हो तो अपना पॉइंट भी पूछ लो, हार्ट का पॉइंट, एक एक पॉइंट का पर्टिकुलर। ये ट्रेनिंग मैंने खुद दी है, जो पतंजलि में सेवाएं होती हैं झाड़ू लगाने से लेकर के और सारे काम जो भी यहाँ सेवा होती है, सारी सेवा तुम्हारे गुरु ने की हुई है, मैंने की हुई है, और तब मैं और सारी चिकित्सा, ये सारा एक्यूप्रेशर, ये यज्ञ चिकित्सा, ये योग चिकित्सा, ये सारी थेरापियाँ, स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन बस्ति रक्त मोक्षण से लेकर के अलाबू से लेकर उद्वर्तन से लेकर के पत्रपिंड मसाज से लेकर के पोटली मसाज से लेकर के मेडिकेटेड मसाज से लेकर के, मुझे मालिश भी बहुत अच्छी करनी आती है। हाँ, मैंने खुद हजारों लोगों की मालिश की है, और मालिश मतलब वो एक वो बहुत बड़ा उपचार है वो, और उसको बहुत भक्ति से किया जाए तो उसमें तो साथ में स्पर्श चिकित्सा भी होती है, रेकी भी होती है, उसी में एक्यूप्रेशर भी होता है, उसी के अंदर जो है सारी प्रार्थना भी होती है। सारी औषधियाँ मैंने अपने हाथों से बनाई हुई हैं, सारी औषधियाँ, अभी भी कोई भी फार्मूलेशन मेरे अप्रूव किए बिना नहीं बनता है, और इसके सारे क्वालिटी चेक्स को मैं खुद चेक करता हूँ। पतंजलि में करीब 5,000 तो कैमरे लगे हुए हैं, कितने 5,000 कैमरों का इनपुट आता है एक जगह, और कहीं पर भी कोई भी आदमी बच नहीं सकता कहीं, और जो जहां बहुत संवेदनशील होते हैं उनको 24 घंटे वाच किया जाता है। यहां जो कमरे भी होते हैं ना तुम्हारे, उनके भी बाहर कैमरे लगे हुए हैं, एक के कमरे में कोई दूसरा घुस गया तो उसकी भी खबर होती है हमारे पास, इसलिए यहां कोई भी अनहोनी नहीं होने देते। यज्ञ की भस्म कितनी 10 ग्राम। अब राख भी हमने डाल के देखी, जो अपने बहुत बॉयलर जलते हैं बड़े बड़े, यहां पर भी देखो एक ये बॉयलर ही है, इसके पीछे लकड़ियां पड़ी हुई है 4-5 क्विंटल 10 क्विंटल, तो बॉयलर की राख भी ली, चूल्हे की राख भी ली, और यज्ञ की भस्म ली। यज्ञ की भस्म से ही पानी अल्कलाइन होता है, चूल्हे की राख से नहीं हुआ। अब देखो ये फर्क है, क्योंकि उसमें सारी औषधि है, इसलिए मैं कहता हूं यज्ञ की भस्म, यज्ञ की सुगंध, फिर यज्ञाहुति में जो मंत्र बोले जाते हैं उनका भी एक प्रभाव है। तो अपना अपना योगाभ्यास करते रहो, यज्ञ थेरापी, यज्ञ की भस्म को लेप में लगाना, जैसे भगवान शिव जो है भस्म लगाते थे अपने अंगों में। अब जैसे कुछ चीजें खाली औपचारिकता रह गई, यज्ञ की भस्म लगाना, यज्ञ की भस्म का पानी पीना, और जो बहुत से रोगों में यज्ञ की भस्म खिलाते भी, अब किसी को ब्लीडिंग हो रही है कितनी ही भयंकर, यज्ञ की भस्म 3-5 ग्राम पानी में घोल करके पी जाओ, भस्म सहित ब्लीडिंग बंद हो जाती। और भी उपाय बताते, दसियों उपाय बताते, दूरवा घास है, दूध घास है, संजीवनी घास, जब मैं आया था तब यहाँ संजीवनी लोग उखाड़ उखाड़ करके खत परिवार की तरफ फेंका करते थे, वो संजीवनी और दूधी घास वापस आ गई, अब दोबारा शुरू कर दे रहे, अब फ्रेश पिलाते हैं, फिर बाद में जब अब तो पूरा उसका हमने संग्रह के लिए उसको कोई प्रयोग ही नहीं करता था, बड़ी जबरदस्त है। अपना अपना एक्यूप्रेशर करते हुए कपाल भाती करो,
योग चिकित्सा के साथ यज्ञ चिकित्सा कराते हैं, भस्म चिकित्सा, भस्म का लेप, भस्म का पानी पीना अल्कलाइन करके, भस्म को खाना भी, और अलग अलग औषधीय सामग्री अभी तैयार कर दी है, अब कंटिन्यू चलती रहेगी। अब यज्ञ चिकित्सा पर भी पूरा बल है हमारा, और उससे भी मैंने देखा है बड़ी बड़ी बीमारियों से आदमी उभर जाता है, बड़ी बड़ी बीमारियों से। लेकिन किसी भी चिकित्सा को, किसी भी थेरापी को, यज्ञ थेरापी हो, योग थेरापी हो, थेरापिटिक योग कराते हैं हम यहाँ, थेरापिटिक यज्ञ कराते हैं हम यहाँ। सारे थेरापी कब होती है, जब ऐसे ही मिट्टी में, देखो ऐसे ही मिट्टी पर चलना अलग बात है, अब आधा घंटा यदि मिट्टी पर चला तो थेरेपी के रूप में होगी, ऐसे ही मिट्टी लग गई हाथ पैरों में लगती रहती हो तो धूल धक्कड़ उसको तो आप झाड़ते रहते हो, लेकिन मिट्टी लगा के आधा घंटा बैठना वो थेरेपी है, कोई भी लेप लगा करके आधा से पूना घंटा और एक घंटा, आधा से एक घंटे में कोई भी थेरेपी पूरी होती है। अब ये एक्यूप्रेशर लोग क्या करते थे, ऐसे ऐसे दबा दिया, बोलिए एक्यूप्रेशर हो गया, ऐसे नहीं होता, एक जगह 5 मिनट दबाना पड़ता है, तब जा करके हार्ट के ब्लॉकेज खत्म होते हैं, तब जाके पेनक्रियाज एक्टिवेट होता है, तब लंग जो है पूरा काम करना शुरू कर देता है, पूरा चेंज हो जाती है उसकी पूरी फ्रिक्वेंसी, पूरा उसका ताना बाना पूरा चेंज हो जाता है एक पॉइंट पर 5 मिनट दबाना ऐसे। अब किसी को न्यूरो प्रॉब्लम्स है, नस नाड़ियों की प्रॉब्लम है, नस नाड़ियों में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, ये सारा काम करता है। अब ये, अब यहां से लेकर के और यहां अंगूठे तक, यहां तक नाखून तक, ये देखो पीछे से दबाना शुरू किया, आगे तक दबाया, उसके बाद ये आया, हाँ ऐसे पूरा उसको बहुत जोर से दबाना पड़ता है, थोड़े से बात नहीं बनती, ऐसे जोर से दबाना पड़ता है और एक एक जगह ढूंढना पड़ता है उसको, और इतना भयंकर पीड़ा होती है तो इसके अंदर जो मशीनों से भी नहीं देख सकते, ऐसे बहुत सारे क्रिस्टल टाइप होते हैं और वो ऐसे लगा, ऐसे दबाते ही वो ब्लड के अंदर घुल जाते हैं और फिर डिटॉक्स होकर के यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, लास्ट में इसलिए किडनी का पॉइंट दबाया जाता है। ऐसे जब दबाओगे ना आपको सारे पॉइंट, आपको खुद इतना दब हो नहीं पाता, इसलिए शुरू में थेरापिस्ट लोगों से करवाते हैं। अभी सब लोग जिनको भी दर्दें हैं, जिनको भी कोई एक विशेष ऑर्गन कमजोर पड़ गया है, थायराइड से लेकर के लंग से लेकर के लीवर किडनी हार्ट से लेकर के फिर कोई अंग प्रत्यंग है, आँखों से लेकर कान तक के सारे पॉइंट हैं, इनको दबाना पड़ेगा और तब एक्यूप्रेशर के साथ संकल्पित होकर के, संकल्प बहुत बड़ा काम करता है, भाव बहुत बड़ा काम करता है, विश्वास बहुत बड़ा काम करता है, श्रद्धा, इसलिए मैं कहता हूं श्रद्धा का अतिरेक, भक्ति का अतिरेक, प्रेम का अतिरेक, पुरुषार्थ का अतिरेक। खैर तो सारी चिकित्साएं, सारे लेप अलग अलग प्रकार के, और आपको मैंने एक होमवर्क दिया था कि सुबह से शाम तक आपको क्या करना है, क्या बोला था, अपने सांसों पर ध्यान दे करके क्या रहना है, मौन रहना है, और क्या रहना है, सहज रहना है, अपने आप में ठहरो, योग चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थान। तो ये मूलभूत नियम है योगग्राम में, जो थेरापियों में कहते हैं ना लाभ नहीं हो रहा, अब सिरोधारा चल रही है और दिमाग घूम रहा है मुंबई कलकत्ता चेन्नई ब्रिटेन कनाडा अमेरिका ऑस्ट्रेलिया दुबई, ऐसे ठीक नहीं। जब आपकी थेरापियां चल रही हैं, चाहे वो सिरोधारा चल रही है, चाहे आपकी मसाज चल रही है, चाहे आपका लेप चल रहा है, चाहे आपका उद्वर्तन हो रहा है, तो आपका ध्यान सांसों पर रहना चाहिए।
हर सांस के साथ प्रभु का सिमरन हो। अपने हाथों को दबा लेना, इसमें ये पूरा जैसे अल्ट्रासाउंड करने वाले ना पूरे पेट में और फिर यहाँ पसलियों के फिर पीछे से चारों तरफ से घुमा घुमा के देख लेते हैं, इसके लीवर में, इसके किडनी में, इसकी आंतों में, इसके पेनक्रियाज में, यूट्रस, ओवरी में, प्रोस्टेट में, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये तुम्हारा पूरा जो अंगूठा है ना, ये वो अल्ट्रासाउंड वाली मशीन का जो है ना वो है, क्या बोलते हैं उसको, माउस जैसा घुमाते रहते हैं। तो तुम घुमा करके पूरा चेक कर लो और एक एक जगह इसमें ना सेंटीमीटर्स के अंतर पर आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दर्द मिलेगा। और मैंने देखा है 5 साल पहले तो बीमारियों का पता लग जाता है। हमने जिनको बताया था 5 साल बाद तेरे को हार्ट अटैक हो गया, तो उसको हो ही गया। क्यों बोले ऐसे बोलते रहते स्वामी जी? फिर बाद में बोले स्वामी जी आपने बताया था 5 साल पहले कि तेरे को हार्ट अटैक होने वाला है। मैंने सोचा है मैंने मेरे को क्या दिक्कत है, 5 साल पहले ही पता लग जाता है तुम्हारी किडनी गड़बड़ होने वाली है। इतने एडवांस में यही इंडिकेशन मिल जाता आपको। सबसे अच्छी बात है कि आप रोगी होने से बच जाएं, हार्ट अटैक होने से, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अटैक से, डायबिटीज से, बीपी से, शुगर से, थायराइड से, कोई भी गांठों से, कैंसर से बच जाएं। ये पहली अच्छी बात है। वात, पित्त, कफ और तमाम तरह के जो रोग हैं, और फिर वो रोग जितना लंबा टिकेगा उतना ही डैमेज करके जाएगा। इसलिए पहली बात तो यह है कि दुश्मन अपनी सीमाओं में घुसे नहीं। ये दुश्मन है, ये रोग रूपी शत्रु है, रोग रूपी नहीं और तमाम तरह के विकार रूपी शत्रु घात लगाए बैठे हैं, घुस जाते हैं। अब जितने दिन कुत्ता बिल्ली भीतर रहेंगे उतने देर तो माल खाएंगे। तो ये सब कुत्ते बिल्ली जो है बिच्छू सांप चारों तरफ से तुम्हारे भीतर घुस गए। अब ये जितने दिन देर भीतर रहेंगे उतने ही अंडे देंगे, उतना ही परिवार बढ़ाएंगे, उतना ही ये आपको डैमेज करके जाएंगे। इसलिए इनको जितना जल्दी से जल्दी हो सके पहला प्रयत्न तो ये करो कि तुम रोगी होने से अपने आप को बचाओ। और यदि रोगी हो चुके हो तो जल्दी से जल्दी इसका विदाई समारोह करो, इसको पेलो, इसको बाहर बाहर धकेलो इसको। रोग से भी ज्यादा मन के विकार, मन के विकार भीतर भरे पड़े हैं और उनके प्रति तो सजगता ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं सुबह से शाम तक श्वासों के साथ सजगता बरतो। और जो विकार तुम्हें घेरे रहते हैं, अंधकार तुम्हें घेरे रहता है, नकारात्मकता, नैराश्य, क्लैब्यमास्मगमापार्थ नहि तत्त्वयुपपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परं। अपने मन की निराशा इसको छोड़ो, अपने शरीर के प्रति देखो तुम्हें काम कितनी चीजों पर करना, अपनी बॉडी पर, माइंड पर, थॉट्स पर, इमोशंस पर कंट्रोल करो। चार ही चीजों पर काम करना है, बोलो, बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस। जब बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस पर, एनर्जी पर कंट्रोल आ गया तो एक्शन तो तुम्हारे कंट्रोल में रह ही जाएंगे। बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस और अपनी एनर्जी, इन पर काम करो, इनको राइट डायरेक्शन में लगाओ। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि भगवान ने एक एक इंसान को अपरिमित शक्ति, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य, सारे सद्गुण दिए हुए हैं, सारी शक्तियां दी हुई हैं, लेकिन मनुष्य उन शक्तियों को न जानता है, न जगाता है, न सही तरह से उनको उपयोग में लाता है। गुरु की यही सबसे बड़ी भूमिका है और योग की यह सबसे बड़ी भूमिका है। योग शुरू ही होता है यहां से, मैं कौन हूं, मेरी शक्ति क्या है, कोहम काच मे शक्ति ही इति चिंतयित मुहुर्मुहु, मैं कौन हूं। तेरी शक्ति क्या है, सामर्थ्य क्या है।
तेरे भीतर सब कुछ है। तो योग चिकित्सा, ये यज्ञ चिकित्सा है, ये प्राकृतिक चिकित्सा है, ये पंचमहाभूत चिकित्सा, ये अलग अलग थेरापियां, ये अलग अलग औषधियां, ये आपके अंदर के ही सामर्थ्य को जगाती है। बाहर से भी मदद मिलती है, लेकिन मूल है आपके भीतर सब कुछ है। तो हम शुद्धिकरण और सशक्तिकरण करके ये कार्यक्रम तो करते ही है। खैर, अपना साधन पूरा करो, अपना काम पूरा करो, रिलैक्स रहो। चलो अब अनुलोम विलोम कर लो, थोड़ी देर सांसों पर ही ध्यान धरो और अपने आप को केंद्रित करो। लंबा लंबा लेना, जल्दबाजी नहीं इसमें भी, धैर्य से लेना, धैर्य से छोड़ना। और करते करते आत्मा वारे दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासित। मन शांत हो जाता है, सारी उथल पुथल खत्म हो गई। और जिनको बड़ी बीमारियां हो चुकी हैं, किसी बड़े रोग ने घेर लिया है, तो लंबा लंबा करो और दिन भर अखंड योग, अखंड निष्ठा के साथ खंडित ना हो योग तुम्हारा, श्रद्धा तुम्हारी, भक्ति तुम्हारा, विश्वास डगमगाए नहीं। और फिर करते रहो, करते 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 करते, मैंने यहीं इस योगग्राम में ही कौन सा ऐसा रोग है जो नहीं मिटाया, 5 मिनट में मात्र, 5 मिनट अनुलोम विलोम किया, 5 बार शीतली शीतकारी किया, बीपी नॉर्मल आ गया, एकदम धरातल पर आ गया, चाहे किसी भी कारण से। एक एक बीमारी के मुख्य 8-10 तो कारण मैंने बताए हैं, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, स्ट्रेस, लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस फिजिकल एक्सरसाइज, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, रॉन्ग हैबिट्स, नींद पूरी नहीं आना, जेनेटिक रीजंस, पोल्यूशन, बैक्टीरियल वायरल डिजीज, डिजीज से डिजीज, ड्रग से डिजीज, बीमारियां और बीमारियों के कॉम्प्लिकेशंस, दवाइयां और दवाइयों के साइड इफेक्ट्स, लो इम्यूनिटी और कई बार अननोन कारण होते, पता ही नहीं लगता कि हुआ कैसे ये रोग। करो अनुलोम विलोम, लगातार करते रहो। किसी भी कारण आपको रोग हुआ हो और कितना ही बड़ा रोग हुआ हो, अपना साधन पूरा कर लो। ये साधन करने से पहले ही दिन से मैंने लोगों का बीपी ठीक कर दिया, चाहे अंदर की नस नाड़ियां सिकुड़ने से बीपी हुआ है, प्रेशर बढ़ जाता है, किसी का घटा भी है, लो बीपी भी ठीक किया, चाहे कोलेस्ट्रॉल से बीपी है, चाहे थायराइड की प्रॉब्लम से ब्लड प्रेशर हो जाता है, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम से ब्लड प्रेशर हो जाता है, चाहे एंजाइटी से ब्लड प्रेशर है, मन की अशांति से, पित्त बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, किडनी फंक्शन गड़बड़ होने से, लीवर फंक्शन गड़बड़ होने से, हार्ट फंक्शन गड़बड़ होने से बीपी बढ़ता है, किसी को जेनेटिकली बीपी हो जाता है,
किसी कारण से बीपी है, किसी कारण से शुगर है। अब शुगर वालों का देखो अपना अभ्यास, मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तानपादासन, नौकासन, सेतुबंधासन, सर्वांगासन, हलासन, जिसको जो छोटे बच्चे तो अर्धमत्स्येन्द्रासन भी कर लेते हैं। अपना अपना अभ्यास पूरा करो। पहले ही दिन से डायबिटीज की दवा बंद, पहले ही दिन से कोलेस्ट्रॉल की दवा बंद। कोलेस्ट्रॉल चिंता से भी बढ़ता है घी खाने से ही नहीं, अब बताओ शुगर खाने से, चीनी खाने से, शहद खाने से, कोई भी मीठा खाने से चीनी बढ़ती है, शुगर बढ़ती है अंदर। चीनी खाओगे चीनी बढ़ जाएगी, लेकिन चिंता से बताओ, चिंता तो वैसे भी तीखी होती है, उससे शुगर बढ़ती है। लड़ाई झगड़ा करने से शुगर बढ़ती है, वो मीठा थोड़ी होता है लड़ाई झगड़ा, उसमें वैसी कड़वाहट होती है। चिंता से सब रोग बढ़ते हैं। अनुलोम विलोम करो, लंबे गहरे श्वास भरो। चिंता से रोग बढ़ते हैं, तनाव से रोग बढ़ते हैं। इसलिए हम कई बार कहते हैं, गाए जा भगवान की महिमा, गाए जा सुबह शाम सम्मन मंदिर में, झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा, गाए जा भगवान की महिमा, गाए जा। चिंता और चिता इस जग में एक समान कहाती है, चिंता और चित्ता इस जग में दोनों समान कहाती है, एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों समान जलाती है। जो दुख को दिखाए वही दुखड़े मिटाए, चिंता दूर भगाए जा, गाए जा, गाए जा भगवान की महिमा, गाए जा, गाए जा भगवान की महिमा। कौन हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है भाई, कौन हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है, बांध ले बाबा बिस्तर अपना, ये तो देश बेगाना है, ये दुनिया सराय, कोई आए कोई जाए, ये दुनिया सराय, कोई आए कोई जाए, पथिक यही समझाए जा, गाए जा, गाए जा भगवान की महिमा, गाए ओ सुबह शाम समन मंदिर में, सुबह शाम समन मंदिर में, झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा, गाए जा भगवान की महिमा, गाए जा भगवान की महिमा, गाए जा भगवान की महिमा, गाए जा। अनुलोम विलोम ऐसे भाव से करो, एकदम से बीमारियों का जो तूफान उठा है ज्वालामुखी की तरह, वो एकदम शांत हो जाता है। इसके लिए मन की प्रशांति चाहिए, प्रशांति, प्रसन्न चेत सो याश बुद्धि पर्यवतिष्ठते। शांति से काम लो, धीरज रखो, अनुलोम विलोम करो। अब देखो ये कर कर के ही आपके, चलो थोड़ा देर सूक्ष्म व्यायाम कर लो। पहले ही दिन से 99% लोगों की छोटी छोटी बीमारियां, तो अब जिनको मल्टीपल डिजीज है, और किसी किसी को तो इतना इतना वेग आता रे बीमारी का, राम राम, भयंकर वेग, थोड़ा सा 2-3 दिन लग जाएंगे, 5 दिन लग जाएंगे, सब बीमारियों की
जड़ों के ऊपर हम प्रहार करते हैं, जड़ से मिटाते हैं बीमारियों को। अभी कितने भाई बहन हैं जिनकी ब्लड प्रेशर की दवाइयां बंद हो गई, जरा हाथ उठाना, हाथ हिलाओ। ये तो थोक में बंद होती है, बीपी तो एकदम बस जैसे मन शांत, फिर यहां सारा उपाय ऐसा करते हैं। और दो दो दवाइयां बना रखी हमने, चारों तरफ से घेर रखा उसको हमने, योग से पूरी अलग अलग थेरापियों से, फिर बीपी ग्रिट और मुक्तावटी से। ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए ना तो एक साथ हम यहाँ चार गोली भी दे देते हैं और चबा करके खिला देते हैं एकदम से, पांच मिनट के अंदर बीपी ऐसे ज्यादा नीचे चला जाता है फिर उनको, तो बीपी फिर मुक्तावटी और वो बीपी ग्रिट भी बंद करनी पड़ती है। जिनको बीपी ग्रिट और मुक्तावटी के बिना ही बीपी कंट्रोल है वो हाथ उठाना, ये लो, उसकी भी जरूरत नहीं है कोई दवाई की। दिन भाई ये बीपी तुम्हारा स्वभाव, यदि स्वभाव हो तो फिर तो रामदेव को भी होना चाहिए सब फिर यदि बीमारियां हमारे स्वभाव का ही हिस्सा हैं, वो हमारे नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस है, तो मुझे भी होनी चाहिए सब बीमारी। नहीं, अच्छा शुगर की दवाएं कितनों की बंद हो गई, हाथ ही लाओ जरा। शुगर की दवा ये भी अच्छी प्रोग्रेस है, बाईं तरफ ज्यादा कुछ रोगी हैं शायद, उधर भी ऊपर भी बैठे हैं भाई बहन उनकी। और इंसुलिन कितनों की छूटी है या कम हो गई है, इंसुलिन इंसुलिन वाले कितने हैं? अभी 30 तारीख से तो थोक में बुला रखे मैंने इंसुलिन वाले, गोल गोल घुमा लो थोड़ा सा, इंसुलिन भी बंद कराते हैं। टाइप 1 डायबिटीज बस 5 से 10 मिनट, 5 से 10 मिनट कराते हैं एक आसन को, इंसुलिन बंद। अब 30 तारीख से तो थोक में बुला रखे, जिनको इंसुलिन लेना पड़ रहा है उनको यहां रख रहे हैं, जिनको इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है ऐसे ही सामान्य शुगर बीपी कोलेस्ट्रॉल है उनको वहां पहाड़ में भेज रहे हैं ऋषिकेश के ऊपर, वहां पर भी 7 वंडर्स हैं, 7 पहाड़ियों के बीच ऊपर बना रखा टॉप पर, वहां तो रहने से ही स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन बीपी शुगर और मोटे मोटे लोगों को 7 पहाड़ियों पर चढ़ाएंगे उतारेंगे। मैंने दस सेंटर अप्रैल मई में शुरू करने का पूरा इंतजाम कर लिया है, उसमें सबसे पहला तो ऋषिकेश के ऊपर जहां योगी आदित्यनाथ जी का गांव है ना, उसके ऊपर है टॉप पर है एकदम ऋषिकेश के ऊपर 7 पहाड़ियां हैं। ऐसे सुबह वहां तस्वीर है, सामने से बर्फ पड़े हुए पहाड़ दिखते हैं, चारों तरफ से हिमालय का दर्शन, न सर्दी न गर्मी। निरामयम से भी ज्यादा एडवांस फैसिलिटी है, लोग इधर उधर पहाड़ों में घूमने जाते हैं ऐसे धक्के खाते रहते हैं चलो फिर भी भारत के पहाड़ तो बहुत अच्छे हैं, कुछ तो बोले स्विट्जरलैंड में घूमने जाएंगे। मैं भी जब एक बार यूरोप गया था तो स्विट्जरलैंड के बीच में से गुजरा, मैं खूब वहां के पहाड़ देखे, हिमालय के मैं बराबर तो पासिंग में भी नहीं है वो सच्ची बात है, आप में से कोई गया होगा तो हिमालय के बराबर तो पासिंग में भी नहीं है, क्योंकि हमने तो गंगोत्री यमुनोत्री बद्री केदार और हिमाचल से लेकर के जम्मू कश्मीर से लेकर के और पूरा अरुणाचल तक पूरा हिमालय देखा। हिमालय तो अपना मतलब दुनिया में भगवान ने सबसे बढ़िया चीज दे रखी है अपने को, तो ये हिमालय में। अब एक भाई एक रोगी आए हुए थे अभी तो शायद चले गए, बोले शिमला में स्वामी जी हमारे पास 4 प्रॉपर्टी है, 1 आपको देना चाहते हैं। मैंने कहा क्या बना रखा है, बोले वहाँ 34 कमरे बना रखे हैं, कम से कम आप 50 आदमियों का वहाँ नेचुरोपैथिक का ट्रीटमेंट कर सकते हो। मैंने कहा वहाँ क्या, बोले पूरी दुनिया के टूरिस्ट आते हैं वहाँ पर, तो आप एक सेंटर अपना निरामयम जैसा वहाँ भी बना दो। मैंने कहा चलो देखेंगे तुम्हारा भी, अभी नाम रजिस्टर्ड कर ले रहे हैं। हाँ, मेरे पास इस समय 1000 सेंटर बनाने की डिमांड है, कितनी 1000, लेकिन उसके लिए उतने डॉक्टर उतने थेरापिस्ट उतनी सारी फैसिलिटी। अब मुझे कम से कम रोज 2 घंटे तो मैं इन्हीं चीज़ों का फॉलो लेता हूँ, कभी कभी 4 घंटे भी लग जाते हैं कि ये इनमें से अभी 100 सेंटर इस साल शुरू करने हैं और
फिर एक बार पूरी चीजें सिस्टम प्रोसेस सब स्टैब्लिश्ड हो जाएगा तो फिर आने वाले 3 से 5 सालों में 1000 से ज्यादा सेंटर पूरे देश में बना देंगे, फिर धीरे धीरे उसको आगे बढ़ा देंगे। योग को अवेयरनेस भी कहा जाता है, एक एक क्षण सजगता जागरूकता अवेयरनेस। जय कृष्णमूर्ति इस युग के एक बड़े साधक हुए, बड़े योगी हुए, वो तो सबसे ज्यादा इसी बात पर बल देते थे कि हर समय अवेयर रहो, अपने प्रति इस पूरे अस्तित्व के प्रति सजग रहो, और उस सजगता में कोई स्ट्रेस नहीं है, उस सजगता में प्रशांति है, और अपने अपने आप को उभरने का अवसर दिया करो।